मौजूदा प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पहले जनता से वादे करती थी और उन वादों को कभी पूरा नहीं किया जाता था। इस बार कांग्रेस ने जनता को गारंटी दी है, लेकिन पूरा वह भी नहीं किया जा रहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सत्ता प्राप्ति के लिए जनता के साथ किसी भी प्रकार का झूठा वादा कर सकती है। देश के 5 राज्यों में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया, लेकिन किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, लेकिन किसी को बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश में भी अब जो गारंटी कांग्रेस ने दी है, कांग्रेस की सरकार पहले 2 महीने में ही उससे मुकरने लगी है। राहुल गांधी जी कम जानकारी होने के शिकार हैं। उनको शायद ये भी ज्ञात नहीं कि मनरेगा डिमांड ड्रिवन स्कीम है। जितनी उसकी मांग आती उस तरह से उसका बजट बढ़ता है। और मैं उनको याद करवाना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकारें थी, यूपीए की सरकार के समय है, मात्र 30,000 करोड़ रुपया भी मुश्किल से खर्च कर पाते थे मनरेगा की योजना पे। जब आपदा का समय भी आया, उससे पहले भी भाजपा की सरकार के समय मोदी जी के नेतृत्व में मनरेगा में दुगने से ज़्यादा खर्च हुआ और 2020-21 में तो लगभग 1,14,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, क्योंकि डिमांड बढ़ी उस समय, कोविड का समय था। उसके अगले साल 21-22 में 99,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इस साल भी लगभग 80-85,000 करोड़ से ज़्यादा ही खर्च हुआ होगा। तो राहुल गांधी जी थोड़ा जागिए। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए कुछ भी वायदे करती है। पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक में कांग्रेस ने कर्जे माफी की बात कही थी किसानों की, पर 5 राज्यों में कर्जे माफ नहीं हुए। सभी राज्यों में कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। और हिमाचल प्रदेश में भी झूठी वायदे की बजाय अब गारंटियां लेकर आए हैं। ये भी उतनी ही फेल है जितने इनके वायदे फेल थे। और प्रतिदिन 30 करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचल के ऊपर हिमाचल की सरकार चढ़ा रही है। 1500 रुपए महिलाओं के खाते में तो गया नहीं, पर 1500 करोड़ रुपए का कर्जा जरूर नया चढ़ गया है। ओपीएस तो मिला नहीं, लेकिन सीपीएस बनाने में ये सरकार कहीं पीछे रही नहीं। खर्चे बढ़ाने में आगे और लोगों को इंतज़ार कराना, लंबा इंतज़ार कराने में सबसे आगे। हिमाचल प्रदेश के पूरे देश भर में ही मोदी जी के लिए फिर एक बार वोट पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। दुनिया की 10वीं से 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था भारत को बना, 10वें नंबर से बढ़ाकर। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उसको गरीब को सबसे बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि 3.5 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिला मुफ्त में, 6 करोड़ लोगों को नलके के नए कनेक्शन मिले, 9.5 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के सिलेंडर मिले, 11 करोड़ किसानों को 2,26,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि मिली। अब ये सारे वर्गों के लिए तो मोदी सरकार ने किया ही है। 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम ये आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने किया।